लैंगेकर कोदा में जो टोटल बूथ हैं 116 से लेके और 132 तक, उनमें किसको कितनी वोट मिली? उसमें ओवरऑल की बात करें तो खरकोदा में 13,078 वोट पोल हुई थी, जिसमें जयवीर ने लिए थे 2,741 और पवन ने लिए थे 10,455। इसके बाद अगर हम बात करें तो खरकोदा के बूथ से पवन को मिली है 605, जयवीर को 270, 117 से जयवीर को मिली 194, पवन को मिली 647, 118 से जयवीर को मिली 118, पवन को 540, 119 में जयवीर को मिली 73, पवन को मिली 754, उसके बाद 120 में जयवीर को मिली 257, पवन को मिली 591, उसके बाद 121 में जयवीर को मिली 154, पवन को मिली 680, उसके बाद 122 में जयवीर को मिली 143, पवन को मिली 526, उसके बाद 123 में 182 511, उसके बाद 124 में 159,655, उसके बाद 125 में 206,682, 126 में 93,644, उसके बाद मिली 127 में 63,361, उसके बाद 175,620, 129 में मिली जयवीर को 290, पवन को मिली 584, 130 में जयवीर को मिली 87 और पवन को मिली 829 वोट। इसी तरह तरीके से 131 बूथ की हम बात करें तो जयवीर को मिली कुल 66 और पवन को मिली 491। 132 बूथ की हम बात करें तो इसमें जयवीर को मिली कुल 211 और पवन को मिली 660। इसी प्रकार से ये कुल वोट जो पोल हुई थी वो 13,078 थी, इसमें जयवीर को मिली 2,741, पवन को मिली 10,455। ये खरकोदा के ओवरऑल सभी बूथों का इस प्रकार से, इस तरीके से अगर हम इसमें लीड की बात करें तो पवन यहाँ से 7,714 वोटों से एक तरफा पवन को जीत मिली है, जिसमें पूरा खरकोदे का समर्थन पवन को बिल्कुल एक तरफा देखने को सभी बूथों पे मिला है। करीबन 4 से 5 बूथों ऐसे हैं जिनमें जयवीर 100 तक भी वोट टच नहीं कर सके।